जिला ऊना में मास्क न पहनने पर 5,000 का जुर्माना वसूलने का मामला सदन में गूंजा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत मामला उठाया और सरकार को इस तरह के तुगलकी फरमान जारी न करने की नसीहत दी और प्रदेश की जनता को मुफ्त में मास्क मुहैया करवाने की सलाह दी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ऊना जिला में पुलिस लोगों को बसों से उतारकर चालान कर रही है, लोग कुछ खा रहे हैं तब भी उनके चालान किए जा रहे हैं, लोगों में खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। मुकेश ने कहा कि जिला प्रशासन अपनी मनमर्जी से चालान के रेट तय कर रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार लोगों को जागरूक करे, ना कि उन्हें इस तरह से डराया धमकाया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर आपातकाल करने की बातें कह रहे हैं, जैसे इमरजेंसी लग गई। अब एक साल हो गया है, ऐसे में सरकार व्यापक इंतजाम करे। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में पैदल चलने वालों का चालान हो रहा है, यह काम तो हिंदुस्तान में अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे। मुकेश ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि मास्क या कोविड के नाम पर राजस्व एकत्रित करने के लिए लोगों से पैसे वसूल ना करें। जनता से पैसे वसूलने का फैसला किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का काम कोरोना को नियंत्रित करना है और उसके लिए व्यापक कदम उठाए जाएं, लेकिन जन सुविधाओं का भी ख्याल रखा जाए। कोरोना का सेकेंड राउंड की बात आज सरकार ने प्रदेश विधानसभा में की है कि सेकेंड राउंड में बंदिशों की बात सरकार कर रही है, लेकिन मास्क का जो मसला है उसको लेके कोई तुगलकी फरमान जारी नहीं होना चाहिए, कोई तानाशाही नहीं है। हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं, लोकतंत्र में रह रहे हैं, लोगों को जागरूक करना मसला हो सकता है, लोगों को जो है चालान में जो है एक न्यूनतम राशि की बात हो सकती है, लेकिन ये एकाएक जो है भारी भरकम जो जुर्माना शुरू कर देना, ये किसी तरह से भी जायज नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि वो पुलिस को कहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि प्रशासन अलग अलग तरह से जुर्माने के रेट तय कर देता है। अब ऊना प्रशासन को की बात करें, वो किस ढंग से 5,000 रुपए का जुर्माना जो है क्या लगा सकते हैं, और आम आदमी को देख रहा था कि बसों से उतार के जुर्माने कर रहे हैं, लोग बर्गर खा रहे हैं, बर्गर खाते खाते उनको लाके चलान कर रहे हैं। ये कोई जो है आपातकाल की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इमरजेंसी लग गई है। आप जो है लोगों को जागरूक करो, समझाओ। अब तो एक साल हो गया, एक साल में के बाद जो है आज ही सरकार ने जवाब दिया है कितने केसेस हुए हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं। लेकिन ये चीजें जो हैं, जो ग्रामीण परिवेश में जो चीजें हैं, उनको जो है दहशत के तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए कि आप जो है खौफ खड़ा कर दो। अब अगर इस तरीके से होगा फिर पुलिस और ज्यादा लोगों को परेशान करेगी, जगह जगह खड़ी हो जाएगी और 5,000 रुपए वहां लिखा है कि या मास्क लगाओ या जेब में 5,000 रुपए रखो। ये तो कोई बात नहीं है। आप स्कूटर का चलान भी होता है, हेलमेट का चलान भी होता है, ये दरें हैं, लेकिन आप मास्क को लेके, एक तो आजाद भारत में जो है पहली दफा जो है पैदल चलने वाले का चलान हो रहे हैं, ये काम तो अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे हिंदुस्तान में, वो भी लंबे अरसा तक रहे लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। ये कोई राजस्व एकत्रित करने का साधन नहीं है कि आपने कोई धन इकट्ठा करना है आम जनता से। ये तो है, मास्क तो गवर्नमेंट को मुहैया करवाना चाहिए, पूरी आबादी को गवर्नमेंट को मुहैया करवाना चाहिए। और वहां पे मैं देख रहा हूं कि प्रशासन पूछ रहा है 1.5 साल में आपने मास्क नहीं खरीदा क्या, 1.5 साल से एक ही मास्क चलेगा? अरे भाई, मास्क की भी कोई समय सीमा है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि मास्क की खरीद करके सारे हिमाचलियों को मुफ्त में उपलब्ध करवाए, थोक थोक खरीद करके जो है जनता को दे। जिस ढंग से आप पुलिस खड़े करके चलान करवा रहे हैं, उससे अच्छा तो अपने कर्मचारी या पुलिस या दूसरे
कर्मचारी खड़े करके जिसने मास्क नहीं लगाया है उसको दोनों हाथ जोड़ के मास्क दें कि आपने मास्क नहीं लगाया है, आपको सरकार की तरफ से मास्क मुहैया करवाया जा रहा है। तो जो है 10 पैसे 25 पैसे के मास्क को जो है 5,000 रुपए लेंगे, ये तो कतई भी सही नहीं है। ये मास्क जो है गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, सरकार जो है सारी आबादी को जो है पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध करवाए, चाहे गए अपने कर्मचारियों के माध्यम से उपलब्ध करवाए। लेकिन ये कि जे खौफ खड़ा कर दो, दहशत खड़ा कर दो, 5,000 रुपए लेंगे, लोग बसों से उतार के लेंगे, खाते हुए लोग आदमी का लेंगे, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, करना है उसके लिए एक व्यापक कदम उठाओ, लेकिन जन सुविधाओं का भी साथ साथ ख्याल रखा जाए। पीएल टीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।